Okay, so we will make a drawing of this and we'll try to see. Now, अब सपोज ये हमारा एक मसल है इन क्रॉस सेक्शन. ओके, तो इस मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं. ओके, सो बहुत सारे बंडल्स होते हैं एंड ईच बंडल इज कॉल्ड ए व्हाट, मसल फैसिक्यूलस. ठीक है, ऐसे बहुत सारे बंडल्स होंगे उसको हम लोग कहेंगे मसल फैसिक्यूलस. राइट, तो ये सब फैसिक्यूलस हैं, ये सब फैसिक्यूलस हैं, ये सब फैसिक्यूलस हैं. ओके, अब इस फैसिकल के अंदर और छोटे छोटे गोल होंगे, सो दे आर ईच दे आर कॉल्ड मसल फाइबर. ये जुड़ा जुड़ा होगा, इसमें ऐसे बनाना मुश्किल है, इसलिए मैं बस इसको इस तरह से बना दे रहा हूं. सो ईच बंडल इज कॉल्ड ए मसल व्हाट, फाइबर. एंड आपका जो मसल फाइबर है वो एक सेल होता है. ओके, इन स्केलेटल मसल द एंटायर फाइबर इज ए सेल. फाइन, सो अब अगर हम इसको ध्यान दें तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दिस इज मसल. एंड ये जो मसल का आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, दिस इज कॉल्ड एपिमाइसियम, बेसिकली रिच इन वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अब इस मसल के अंदर आप क्या पा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मसल फैसिक्यूलस. ओके, एंड इस मसल फैसिकल का जो आउटर लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड योर पेरिमाइसियम. ओके, ये भी आपका व्हाइट फाइबर्स कनेक्टेड टिश्यू लेयर है. इस पेरिमाइसियम ने क्या किया है, बहुत सारे सेल्स, तो दीज आर दी सेल्स, और इसको हम मसल फाइबर बोलते हैं. वी आर डिस्कसिंग स्केलेटल मसल्स ओनली. ओके, स्केलेटल मसल्स, तो इसीलिए ये दीज आर मसल फाइबर्स. एंड उसका जो ये बाहर वाला लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम. Understood? ये समझ में आया? तो ये आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हाट, स्केलेटल मसल है. उसी तरह से अगर हम एक और डायग्राम बनाते हैं, सपोज ये डायग्राम हो गया, अब इस सारे लेवलिंग को मिटा दिया जाए. ओके, विल रब ऑल दिस डायग्राम्स. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इमेजिन करेंगे कि ये एक फैसिक्यूलस है. तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है दिस, तो ये एक मसल फैसिकल है सपोज. ओके, तो सपोज ये एक मसल फैसिकल है तो ये लेयर क्या हो जाएगा, सो दिस लेयर इज पेरिमाइसियम. ओके, ये पेरिमाइसियम है एंड उसमें ईच जो ये गोला देख रहे हो ये क्या है, सो दिस इज योर मसल फाइबर और सेल. ठीक है, तो ये आपका मसल फाइबर और सेल है, तो उसका जो ये आउटर मोस्ट लेयर है इसको कहेंगे एंडोमाइसियम. एंड वो जो एंडोमाइसियम है वो आपका जो है उसके अंदर आप क्या पाएंगे, सो दीज ऑल स्मॉल स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स. ठीक है, तो ये आपका मायोफाइब्रिल्स. अंडरस्टैंड, सो इसीलिए ये आपके अलग अलग कंसेप्ट्स हैं. तो वही चीज मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा था,
in that diagram. So if you see this diagram, इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये एक मैग्निफाइड व्यू, तो ये आपका मसल है, दिस इज ए स्केलेटल मसल, देख रहे हो कि नहीं, ये स्केलेटल मसल है, तो उसका जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वो एपिमाइसियम, एंड उसमें ईच गोला इज कॉल्ड ए फेसिकल, एंड फेसिकल का जो कवर है, तो यहाँ दिखा रहा है पेरिमाइसियम, ये भी फेसिकल है तो उसका भी कवर दिखा रहा है पेरिमाइसियम, आ गया समझ। अब इसमें क्या किया है हमने, इसको मैग्निफाई करके इसमें दिखा रहे हैं, अंडरस्टूड। तो इसको जब हम लोग मैग्निफाई करके इसको दिखा रहे हैं, तो अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे, ये जेसीआरटी नोट है, जैसे आप लोग कालू नोट पढ़ते हो ना, ये मेरा बनाया हुआ नोट है, जो आप लोग को नहीं पसंद है इसीलिए। चलिए, तो अब ये जो उसका मैग्निफाइड व्यू है, देख रहे हो, तो ये मैग्निफाइड व्यू ऑफ दिस स्ट्रक्चर है फेसिकल, तो इसीलिए उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाएगा, पेरिमाइसियम। अब इस फेसिकल के अंदर जो गोले हैं, दिस गोले, तो ये ऐसे था गोला, तो दिस इज कॉल्ड ए मसल फाइबर। तो चलो ये पर्टिकुलर कैपिलरी को दिखा रहा है, सपोज हम इस चीज को बोलेंगे, देख रहे हो, ये तो ये पूरा गोल करके दिखा रहा है, ये मसल फाइबर है, दिस इज एक्चुअली स्केलेटल मसल सेल, अंडरस्टूड। ये जो मसल फाइबर है उसका ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो छिलका निकला हुआ है, तो दिस छिलका इज योर एंडोमाइसियम, देखो यहाँ दिखा रहा है, तो उसी तरह से इसको हम एंडोमाइसियम मान सकते हैं, ओके, इसको खोल के, तो जब हम इसको खोलेंगे, क्लियर, तो अगर हम अब उसको खोलते हैं तो आप क्या देखेंगे, तो जैसे आप उसको खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, यू आर सीइंग बंडल्स, नाउ ईच बंडल इज नाउ नोन एज व्हाट, ईच बंडल, देख रहे हो, ईच बंडल को हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल, एंड उस बंडल में ये जो धागे हैं उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मायोफिलामेंट्स, ओके। तो ये मायोफिलामेंट आपके पास दो तरह का होता है, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट, समझ में आया, सो दिस इज द थिन फिलामेंट एंड दिस इज द थिक फिलामेंट, क्लियर। सो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मसल। अब इधर अगर हम ध्यान से देखेंगे, इफ यू वांट टू जूम दिस पार्ट, तो अगर हम उस पार्ट को जूम करेंगे, अब यहां ध्यान दीजिए, सी दिस व्यू, दिख रहा है आपको ना, इस व्यू को देखिए, ये देख रहे हो, ये जो लाइन है दिस, तो ये आपका जेड डिस्क है, दिस इज द जेड लाइन, अंडरस्टूड, एंड ये जो फिलामेंट देख रहे हो ये थिन फिलामेंट है, एंड उसके बीच में ये जो डार्क डार्क देख रहे हो वो थिक फिलामेंट, ओके, दिस पार्ट इज बेसिकली द थिक फिलामेंट, ओके, तो ये उसका कंसेप्ट है। तो इसका आई विल शो यू अ कलर डायग्राम, तो आपको वो और क्लियर दिखेगा।
देखा है? Now, are you seeing this diagram? Fine. तो ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिए. तो अगर आप यहां देख रहे हैं तो ये जो दिस इज कॉल्ड द जेड डिस्क, ये दो वेवी लाइन है. दिस इज कॉल्ड द जेड डिस्क और उसको हम लोग क्रोसेस मेम्ब्रेन बोलते हैं. ओके, क्रोसेस मेम्ब्रेन बोल सकते हो, उसको डॉबीज लाइन बोला जाता है. डॉबीज लाइन या ज्विशन शीव है. ज्विशन शीव है लाइन. तो ज्विशन शीव है मतलब आउटर. तो ये आउटर लाइन है. ये किस चीज से बना है? दिस इज मेड अप ऑफ अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन. समझ रहे हो? एंड ये क्या करता है? ये बाइंड्स ऑल थिन फिलामेंट्स. तो ये पूरा एक डिस्क जैसा होता है. ये सारे थिन फिलामेंट्स को बांध के रखता है. कौन से थिन फिलामेंट्स है? ये वाले, देख रहे हो? दिस इज थिन फिलामेंट विच इज मेड अप ऑफ एक्टिन. ओके, अब ये एम लाइन देख रहे हो. तो एम लाइन क्या है? एम लाइन इज कॉल्ड मिडल शीब लाइन या मिडल लाइन इन जर्मन. ये जर्मन भाषा है. ये इसका मतलब होता है मिड लाइन. एंड ये किस चीज से बना है? दिस इज मेड अप ऑफ मायोमेसिन प्रोटीन. अब ये मायोमेसिन प्रोटीन क्या करता है? इट बाइंड्स ऑल थिक फिलामेंट्स. देख रहे हो? तो इसीलिए आप यहां क्या देखेंगे, ये जो है ये क्या है? दिस इज थिक फिलामेंट्स. तो उसको बांध कर रखा है कौन? एम लाइन. अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस. अब तो थिक फिलामेंट किस चीज से बना है? मायोसिन प्रोटीन. एंड ये जो यूनिट है इसको हम कहते हैं सार्कोमियर. एंड ये जो पूरा चीज है इसको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल. व्हाट इज सार्कोमियर? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या यूनिट ऑफ ए मसल सेल. समझ रहे हो? तो ये सर मसल सेल का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है. ठीक है? नाउ अभी उसको हम ऊपर देखेंगे, ये वाला. सो दिस इज द एलैबोरेटेड डायग्राम. देख रहे हो? ये आपको एलैबोरेट किया हम लोगों ने. तो ये आपका जेड डिस्क है. तो जेड डिस्क ने क्या किया है? थिन थिन थिन. तो सारे थिन को एक साइड के बांध के रखा हुआ है. उधर इस तरफ से जेड डिस्क ने भी थिन को बांध के रखा हुआ है. देख रहे हो? एंड ये जो है आपका थिक फिलामेंट्स. तो थिन फिलामेंट जो है इसमें कौन कौन सा प्रोटीन होता है? एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन. थिक फिलामेंट में होता है मायोसिन. अंडरस्टैंड? तो ये आपका दो फिलामेंट्स हो गए. अब ये आपका एम लाइन है. तो एम लाइन क्या किया है? ये सारे थिक फिलामेंट्स को बांध के रखता है. एंड आप थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर देख रहे हो. तो ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर हैं, इनको हम लोग क्रॉस ब्रिज कहते हैं. ओके, क्रॉस ब्रिज. दिस इज मेड अप ऑफ हैवी मेरो मायोसिन. ठीक है? एंड ये जो फिलामेंट है दिस इज कॉल्ड लाइट मैरो मायोसिन. ओके, तो आपको जिसको पूछना है बीच में पूछ सकते हो ये सब चीजें से. तो मैं आपको बस समझा रहा हूं. तो ये आपका हैवी मैरो मायोसिन है, ये आपका लाइट मैरो मायोसिन. एंड उसके बीच में ये टाइटिन फिलामेंट्स हैं. तो टाइटिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है?
largest protein of human body. Nearly 30,000 amino acids in single chain. समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ा प्रोटीन है आपके बॉडी का एंड ये एक स्प्रिंग जैसा काम करता है. तो ये क्या करता है? Helps to recoil sarcomere. Okay, after the pressure is released. तो जब आप फोर्स रिलीज कर दोगे ये सार्कोमेर को वापस अपने जगह पर भेज दे. ठीक है? Now, अब इस चीज को ध्यान दीजिए. तो जो ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस सार्कोमेर है कि नहीं? अब जहां सिर्फ मायोफिन है तो ए बैंड हम किसको कहते हैं? एंटायर लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट. देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक मायोसिन ही मायोसिन है तो दैट इज कॉल्ड ए बैंड. ये जो जोन है जहां मायोसिन आई बैंड क्या है? नो मायोसिन, ओनली एक्टिव. ओके, उसी तरह से यहां भी जो है नो मायोसिन ओनली एक्टिन. देख रहे हो? तो ये आपका आई बैंड कहलाता है. बट ये जो रीजन है जोन ऑफ ओवरलैप इसको हम यू बैंड बोलते हैं. एंड ये जो यू बैंड है इसमें क्या है? एक्टिन प्लस मायोसिन. इधर भी एक्टिन प्लस मायोसिन. एंड एच जोन क्या बोलते हैं? प्योर मायोसिन. No active. Understand? तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आई बैंड, व्हाट इज ए बैंड, व्हाट इज एच जोन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मैं आपको वो क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आप ये समझ लिए हो तो बताओ. ओके, नाउ अगर हम इसको देखें तो अब आपका ये रिलैक्स सार्कोमियर है. दिस इज कॉल्ड रिलैक्स्ड सार्कोमियर. तो जब कंट्रैक्शन होगा ये जो क्रॉस ब्रिज बन रहा है ये ना, ये क्या करेगा? ये मायोसिन को इस तरफ खींचेगा. उसी तरफ ये जो क्रॉस ब्रिज इस तरफ बन रहा है ये एक्टिन को इस तरफ खींचेंगे. तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फाइन, धीरे धीरे आपका जेड डिस्क इधर आ जाएगा. ओके, योर जेड डिस्क विल बी लाइक दिस. ओके, दिस इज जेड डैश. ओके, एंड आपका जो थिन फिलामेंट है, ये जो थिन फिलामेंट ये आके एम लाइन के साथ जुड़ जाए. समझ रहे हो? सो इसका मतलब क्या है? तो दिस इज योर, अब जो हमने डायग्राम बनाया है ये क्या है? मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन सार्को. ओके, तो जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है विच बैंड्स लॉस्ट, बोलिए विच बैंड्स लॉस्ट, बोलो कौन कौन सा चीज गायब हो गया मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में? आई बैंड, आई बैंड और एच जोन एंड एच जोन. तो समझ रहे हो? तो आपका आई बैंड भी गया एंड एच जोन भी गया. अंडरस्टूड? नाउ विच बैंड रिमेन्स अनचेंज्ड? ए बैंड. ए बैंड, ए बैंड, ए बैंड, ए बैंड. क्यों? आपका ए बैंड अभी तक जितना ए बैंड है उतना ही रहेगा. ओके, नाउ विच बैंड इंक्रीजेस? ये आप लोग नहीं पढ़े क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में दिया नहीं है. सर यू बैंड होगा. यस, द आंसर इज यू बैंड. यू बैंड. अब जोन ऑफ ओवरलैप बढ़ गया ना,
तो ये जो जोन ऑफ ओवरलैप इधर से आधा इसको खा जाएगा एंड आधा इधर से ये खा जाएगा, तो अब ये एक जोन ऑफ ओवरलैप हो गया एंड ये, तो नाउ अर्लियर ए बैंड वाज यू प्लस एच प्लस यू, बट ये रिलैक्स सार्कोमियर में होता है, बट नाउ ए बैंड इज इक्वल टू टू यू बैंड, समझ में? इसीलिए ये जो एच का खा गए हम एंड इसमें ऐड कर दिया, तो इसीलिए विच बैंड इंक्रीजेस यू बैंड, अगर नहीं लिखा है तो आप लिखेंगे जोन ऑफ ओवरलैप, ओके? तो जो जोन ऑफ ओवरलैप है वो बढ़ जाता है, ठीक है सी? सो दैट इज द कांसेप्ट। और बोलो, तो समझ में आया? तो इस हाँ बोलो सर, यू बैंड का फुल फॉर्म क्या है? उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, वो उसको यू बैंड ही कहते हैं। ए का फुल फॉर्म होता है एनिसोट्रॉपिक, आई का फुल फॉर्म होता है आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक यूट्रॉपिक ही बोलते हैं, यू ही बोलते हैं, उसका कोई ट्रॉपिक रिलेटेड नहीं है कांसेप्ट, समझो? ओके सर। और बोलो सर, सर जो रिलैक्स स्टेट है पचारेगी ईच थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी थिन फिलामेंट्स एंड ईच थिन फिलामेंट इज सराउंडेड। डोंट वरी, जब जजेस है तो कोई गम नहीं है, ओके? आपका ये खत्म हो गया, इसमें कोई शक? सर वो no. एक सर वो जो एम लाइन है क्या मतलब जो और एक सार्कोमेर में भी कंटिन्यू करेगा या एक सार्कोमेर के लिए डिसकंटिन्यू मतलब एक ही में रहेगा? नहीं नहीं एम ये सब इसका मैं जब आप देख रहे हो अब आपको समझ में आया, मुझे तो समझ ही नहीं आता है आप लोग बिना देखे समझ कैसे लेते हो। एक्चुअली आई वांटेड टू रन दिस स्किल सेट फ्रॉम यू पीपल, क्या बिना देखे बिना समझे कैसे समझ लेते हो? तो ये तो हमको आया ही नहीं, तो मुझे ये तुम लोगों से सीखना है, ये जो प्रगति है ये जो आदिति है इन लोगों से सीखना है कि लोग बिना समझे कैसे समझ लेते हैं, एंड इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। मैं तो बिना देखे समझ ही नहीं पाता, अब तुम्हारा दुख दूर किया जाए। सो नाउ वी विल सी दिस डायग्राम। तो जो ज्योति है उसने जो क्वेश्चन पूछा एंड तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो ये कंसेप्ट है, ओके? एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर साइज कर दूं। हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर व्यू जरूरी है, समझे ना? तो तुम लोग रियली जीनियस हो जो बिना देखे समझे भी समझ लेते हो, एक्चुअली यू आर रियली ग्रेट। मैंने एक चीज समझने के लिए मेरे को तो नानी आ जाता है, उसका जो व्यू है किसमें था मेरा ना, इस व्यू को थोड़ा देखा जाए हम लोग, फिर हम लोग उधर जाएंगे। Now please look at this structure, okay? Is this screen visible to you? Sir, zoom करियो थी। हाँ, again, मैं इसको visible? Is it visible to all of you? Yes, sir. आया ज्योति? उतना ही देखना है तेरे को। अब तू तेरे को हर चीज में देखना है ना क्या? अब फ्रंट व्यू में आप अपना ऐश देख सकते हो ताले? कुछ देखने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब हम यहाँ ध्यान दीजिए, प्लीज सी दिस थिंग, ये जो आपका हमने बनाया है दीज डॉट्स, किसमें बनाया ये जो डॉट्स बना है ना काले बड़ा बड़ा डॉट्स, तो ये सब हैं
मायोसिन फिलामेंट्स. ओके, तो दीज आर ऑल मायोसिन या थिक फिलामेंट्स, समझ रहे हो. एंड ये जो बना है छोटे छोटे ग्रीन में, ये सब हैं थिन फिलामेंट्स. ओके, दीज आर ऑल थिन फिलामेंट्स. तो ये जो थिन फिलामेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली प्लेस्ड हेक्सागोनली, देख रहे हो. तो ये जो थिन फिलामेंट्स हैं, दे आर प्लेस्ड हेक्सागोनली. इज इट विजिबल टू यू ऑल ऑफ यू? Yes sir. Now you will tell me how many thin. Get out. So how many thin around one thin? बोलिए. तो एक thin के चारों ओर कितना? सोचो. बेकार बात मत बोलो. थिंक. चार्टा फोर फोर आई थिंक सपोज. ये सुनो ये एक थिन है, इसके चारों ओर कितना थिन है बताओ. तीन. अंडरस्टूड. नाउ डैश थिन अराउंड वन थिक. Six. Very good. Dash thick around one thick. Zero. बोलो. Sorry. Zero कहाँ से आया? तुम्हारे गांव से. Three. ये एक thin है, thick है. तो thick के चारों कितना thick है? एक दो तीन चार पाँच छह. समझ. एंड डैश थी अराउंड वन थिन. थ्री. ओके, अब आपको मैंने बोला था ज्योति जो क्वेश्चन पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है. देखो ये सिर्फ चार लाइंस में से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है. एंड जब आपको ये कोई डायग्राम दिखाया नहीं, तुम कैसे समझोगे बाबा. एंड दैट इज आई रियली एडमायर यू स्टूडेंट्स, दैट आप बिना देखे समझ लेते हो, जबकि मुझे देखना पड़ता है. देखे तो आप लोग कैसे समझ लिए मुझे समझ में नहीं. अब आ गया मजा. Yes, sir. तो इसी चीज को और मजा दिलाएंगे नेक्स्ट डायग्राम से. तो इसलिए जब जजेस है तो कोई गम नहीं है. ओके, अब यहाँ देखिए. तो अब इस चीज को ध्यान में दीजिए. कहना बुझा पे ठीक है, एडा को देखिए हम पड़ी. तो ये आपका एक जो सार्कोमियर है, गुस्सा मत. अब देखिए ये देखिए. Now, ये Z लाइन है, देख रहे हो. हेलो, आप देख रहे हो ये क्रॉस सेक्शनल व्यूज है. डू यू अंडरस्टैंड? ये जो है ये आपका क्रॉस सेक्शनल. सपोज ये मायोफाइब्रिल है ना, मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ. ओके, तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है ऑफ द Z लाइन. तो इस Z लाइन में आप देख रहे हो All these green dots. तो ये green dots क्या हैं? बोलो. What are these green dots? Yes. Thin filament. Thin filament. So these green dots are the thin filaments. ये thin filament है.
एंड ये जो रेड डॉट है ये थिक फिलामेंट है. ओके तो ये दूर से देख रहे हैं हम, तो ये जो ग्रीन डॉट एंड ये जो जाल है नेट जैसा बना हुआ है, दिस नेट इज, ये देख रहे हो अटैचमेंट ऑफ टाइटिन, ये बीच में आपका टाइटिन अटैच हुआ पड़ा है. ओके एंड दीज जो डॉट्स हैं ये आपका थिन फिलामेंट्स है. ओके सॉरी ये हम लोग क्या कर रहे हैं, गधा कहीं का. ये जो ग्रीन डॉट है ना, ये ग्रीन डॉट थिन नहीं है, ये आपका टाइटिन अटैचमेंट है, टाइटिन अटैचमेंट. ये जो रेड डॉट्स हैं, दीज रेड डॉट्स आर योर थिन फिलामेंट. तो इसलिए देखो किस अरेंजमेंट में है, हेक्सागोनल देख रहे हो, तो इसलिए दीज रेड डॉट्स आर योर थिन फिलामेंट्स. आया समझ? ये जेड डिस्क का व्यू है, आप थोड़ा उधर सा रखते हैं. ये आई बैंड का व्यू है, देख रहे हो आई बैंड में क्या छूट गया. तो कैन यू कंपेयर दीज टू डायग्राम्स, तो व्हाट इज मिसिंग इन दीज डायग्राम्स. इस डायग्राम में फर्क क्या है? The lines are missing. Very good. And what are those lines now, you understand? Those lines are what? These lines are actually alpha actinin or Z line. तो समझ रहे हो, जो Z disc है वो इन्हीं lines से बना होता है. They are called alpha actinin. But यहाँ आप देखिए कोई alpha actinin नहीं है. Understood? So now ye jo, these red ones are the thin and these green ones are titin. So titin aapka pura sarcomere mein ek hota hai, ye titin points hai. Ab ye M line ka view hai. So what are these thick filaments? Jyoti, ye dekho, ye thin hai. So how many thin around one thin? देख लिए, हाउ मेनी थिन अराउंड वन थिन. इधर देखो ये थिक है, सो दीज आर थिक फिलामेंट्स. तो एम लाइन में क्या होता है, ओनली थिक फिलामेंट्स. एंड व्हाट आर दीज जाल्स? यस सर, ये मायोमेसिन प्रोटीन है. अंडरस्टैंड? तो ये आपका मायोमेसिन प्रोटीन है. आया समझ? तो इसीलिए एम लाइन में आपका, एम लाइन ने क्या किया, सारे थिन को पकड़ लिया. तो हाउ मेनी थिन थिक अराउंड वन थिक, बताइए. समझ आया? अब देख रहे हो कि नहीं, हर डायग्राम है जे जे इसके पास. एंड आप लोग बिना डायग्राम के समझ लेते हो तो यू रियली डिजर्व क्रेडिट. उसके बाद हम थोड़ा सरकेंगे. ये आपका जोन ऑफ ओवरलैप है. आया समझ? तो आप जोन ऑफ ओवरलैप देखे तो इसमें आपका क्या क्या दिख रहा है. तो व्हाट इज रेड? थिन थिन थिन. व्हाट इज ब्लू? थिक फिलामेंट. एंड व्हाट इज ग्रीन? टाइटिन. टाइटिन ओवरलैपिंग टाइटिन. आया मजा? Yes, देख रहे हो? तो हर, अब देखो जब ये सब डायग्राम देखोगे ना, आपका डाउट्स होने का सवाल ही नहीं बचता है. अंडरस्टूड? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लुकिंग इनटू अ गुड स्ट्रक्चर. आ गया समझ ये कंसेप्ट हमारा? सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थिन फिलामेंट ए जेड डिस्क एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम लाइन. चलिए सो अब हम लोग नीचे जाते हैं उसका नेक्स्ट कंसेप्ट. तो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जेड बैंड. नाउ हियर तो देख रहे हो, सो दिस इज अ बंडल ऑफ थिक फिलामेंट एंड ये देख रहे हो टाइटिन. सो इसलिए एवरी थिक फिलामेंट बंडल विल हैव ए टाइटिन. ओके नाउ दुनिया में अभी यू वांट अनदर सेशन? Yes, sir. तो अगर कट गया तो जाना नहीं.
Now, so okay, sir. Now, see here. अगर हम लोग यहाँ ध्यान देंगे तो एक्चुअली क्या होता है, जो दुनिया में दो खतरनाक डिजीजेस हैं, डशिन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये बड़ा प्यारा सा डिजीज है। इसमें मैं आपके पास बैठूंगा, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करूंगा। गुआ कटर होता है, गुआ कटर जानते हो, जिससे हम लोग गुआ काटते हैं।